मैं हूं इंजीनियर डीपी यादव। अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे सेल। जो सरल परिपथ चल रहा है उसमें सेल से कनेक्ट किया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि तुल्य प्रतिरोध का मान क्या है, अथवा इस प्रतिरोध में कितने एम्पियर की धारा बह रही है, अथवा ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखते हैं सेल। वैद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल, हम लोग बेटा कहेंगे कि सेल वह युक्ति है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखती है या विभव में अंतर बनाए रखती है, जिससे धारा का प्रवाह होता रहता है। तो लिख लें, दूसरी भी परिभाषा आप ऐसे कह सकते हैं कि सेल एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है और सेल की वजह से ही हमारे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता रहता है या धारा का प्रवाह होता रहता है। अथवा सेल जो है, आप यूं कहेंगे कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए तो लिख लें, सेल व युक्ति है जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थापित करता है या करती है, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह होता रहता है। अगली पॉइंट बेटा इसमें हम लिख सकते हैं, सेल जब धारा का प्रवाह कराता है तब वह रासायनिक ऊर्जा को बेटा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता रहता है। इस तरह से हम लोग एक परिभाषा और दे सकते हैं, सेल वह युक्ति है जो रासायनिक
जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है उधर कट रहा होगा बदलता है अगली पॉइंट सेल सेल केवल ऊर्जा प्रदान करता है न कि इलेक्ट्रॉन अगली पॉइंट सेल की तुलना हम जल पंप से कर सकते हैं जैसे पंप में पानी नहीं होता है पानी तालाब या नदी में होता है और पंप उस पर बल लगाकर पानी हम तक पहुंचाता है ठीक इसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन परिपथ के तारों में कोष्ठ में वायर में होते हैं और सेल टुल्लू पंप की भांति सिर्फ कार्य या ऊर्जा कहेंगे प्रदान कर
प्रदान कर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को परिपथ में प्रवाहित कराता है। ध्यान से देख लें, सेल की एक परिभाषा आपने यहां देखा बेटा, एक सेल की परिभाषा आपने यहां देखा, और दूसरी सेल की परिभाषा आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि जैसे टुल्लू में पानी नहीं होता है, पानी का स्रोत आपका कुआं है अथवा बोरिंग है अथवा नदी है, तालाब है, तो पानी वहाँ रहता है। टुल्लू क्या करता है, उन जल अणुओं पर बल लगाता है, फलस्वरूप हम लोगों को जल धारा मिलने लगती है। उन जल अणुओं पर जब वो एक बल लगाता है तो उसे पाइप द्वारा खींचकर हम तक पहुंचाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा टुल्लू बहुत अच्छा पानी दे रहा है, जबकि हमारे टुल्लू में कहीं, टुल्लू पंप में कहीं पानी नहीं है। तो इस तरह से हमें जल धारा मिलने लगती है। उसी तरह से हमारा सेल अथवा बैटरी जो कि हमें डीसी देती है, तो सेल की भी वही बात है, सेल की तुलना उसी पंप से आप कर सकते हैं। जैसे आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होगा तब धारा मिलेगी, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन तार में, आपके वायर में, चाहे कॉपर का एल्युमिनियम का है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आपके सेल के अंदर टुल्लू पंप की तरह से, जैसे टुल्लू में पानी नहीं है, वैसे इस सेल के अंदर कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे आपका टुल्लू पंप जो है जल के अणुओं पर बल लगाता है, वैसे ही आपका सेल भी जो है इन्हीं तांबे और एल्युमिनियम के तारों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पर बल लगाता है अथवा अपनी ऊर्जा एडाप्ट करता है, कार्य करता है, जिससे वह मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगते हैं अथवा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इस तरह से हम लोगों को धारा मिलने लगती है। तो ये तुलना इसी तरह से की गई है, तो ध्यान से देख लें, कहीं भी आपके सेल अथवा बैटरी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बैटरी का काम यह है कि जो चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन पर बल लगाना अथवा उन पर कार्य करना अथवा ऊर्जा प्रदान करना, ताकि वो परिपथ में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित हो सकें, सर्कुलेट हो सकें और हमें धारा मिल सके। तो इस तरह से दो परिभाषा हो गई कि सेल वह युक्ति है जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थापित करता है, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह होता रहता है। और दूसरे का आपने लिखा, सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि ये पॉइंट आपको लिखाया गया है कि सेल जब धारा का प्रवाह कराता है तो वह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता रहता है। इस तरह से सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को जब तक बेटा वैद्युत ऊर्जा में बदलती रहेगी या बदलता रहेगा, तब तक धारा का प्रवाह होता रहेगा। आगे हम लोग सेल की एक साधारण सी संरचना देख लें और सेल के प्रकार देख लें। तो देख लें सेल के प्रकार, यहां से देख लें सेल का प्रकार। अगली पॉइंट है, तो सेल बेटा दो प्रकार के हैं, लिख लें दो प्रकार के हैं। पहला है प्राथमिक सेल, जिसे आप कहेंगे प्राइमरी, प्राइमरी सेल, और दूसरा है आपका द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल जिसे आप कहेंगे सेकेंडरी सेल।
अब हम लोग प्राथमिक सेल की बात करेंगे। अगर हेडिंग डालें बेटा प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, तो हम कहेंगे प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसे चार्ज और डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, केवल उसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। और जब पूर्णतया रासायनिक ऊर्जा पूरी तरह से वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है उस सेल की, तो फिर उसके बाद वो सेल खराब हो जाता है और उसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जबकि द्वितीयक सेल वह सेल होते हैं जो कि सर्वप्रथम वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करते हैं और पुनः जरूरत पड़ने पर वो इन्हीं रासायनिक ऊर्जा को हमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदान करते हैं। अतः इन्हें बार बार चार्ज व डिस्चार्ज किया जा सकता है और लंबे समय तक इनका यूज या प्रयोग किया जा सकता है। तो इस आधार पर हम प्राथमिक सेल को कहेंगे कि प्राथमिक सेल सिर्फ रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे बार बार चार्ज व डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, है। ये हो गया प्राथमिक सेल। इसी प्रकार से हम लोग द्वितीयक सेल के भी विषय में लिख सकते हैं। लिख लें वह सेल जो पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने अंदर स्टोर करता है और पुनः आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में हमें प्रदान करता है। अगली पॉइंट बेटा इसी में लिख सकते हैं, इसे
बार बार चार्ज व डिस्चार्ज किया जा सकता है। ध्यान से देखें, द्वितीयक सेल वह युक्ति है जो पहले वैद्युत ऊर्जा को जब हम लोग चार्ज करेंगे, बेटा ये चार्ज करेंगे तब उस समय ये क्या करेगा, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने अंदर संग्रहित करता है या स्टोर करता है, और पुनः आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में हमें प्रदान करता है। तो जब हम चार्ज करेंगे बेटा, तो आप लोग जैसे अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, वही मोबाइल की बैटरी आपकी चार्ज होती है, तो वो क्या करती है, चार्जिंग के समय वैद्युत ऊर्जा आप उसमें डालते हैं तो वो उसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेती है। आपकी वैद्युत ऊर्जा जो बोर्ड से उसमें जाती है, उसे वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में आपके मोबाइल की बैटरी उसे स्टोर कर लेती है, और जब हम डिस्चार्ज करते हैं यानी उससे धारा लेना चाहते हैं तब उसी को कहेंगे डिस्चार्ज करना। तो आपकी बैटरी देखिए धीरे धीरे बैठती जाती है, वो हो गया डिस्चार्ज करना। यानी जब हम जो है बेटा वैद्युत ऊर्जा उससे लेंगे तो हम कहेंगे हम उसे बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह से इसे बार बार चार्ज व डिस्चार्ज हम कर सकते हैं। तो ऐसे सेल को हम द्वितीयक सेल अथवा सेकेंडरी सेल कहते हैं। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि किसका रेजिस्टेंस कम है या कौन अधिक धारा देगा। तो अगली पॉइंट लिख लें बेटा, इसमें प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेल बेटा द्वितीयक सेल से अधिक होता है अतः समान EMF या विद्युत वाहक बल समान विद्युत वाहक बल के दो सेल समान EMF के प्राथमिक सेल से द्वितीयक सेल अधिक धारा देगा या अधिक धारा प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि द्वितीयक सेल का रेजिस्टेंस कम है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर द्वितीयक सेल से प्राथमिक सेल का अधिक होता है, अथवा कोई लड़का कह सकता है कि द्वितीयक सेल का कम होता है, इसलिए द्वितीयक सेल प्राथमिक सेल से अधिक धारा प्रदान करेगा यदि सेम EMF के दोनों हैं। तो ये खास पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। कभी कभी ये पूछा गया है,
अब हम लोग बेटा सेल को देखते हैं। सेल आप लोग जानते हैं कि हमारा ड्राई सेल है, लेक्लॉन्सी सेल है, आपका डेनियल सेल है, ये सब जो है सेल हैं। तो हमारे जो प्राथमिक सेल है इनका रेजिस्टेंस बेटा या आंतरिक प्रतिरोध अधिक है, और आप कह सकते हैं कि प्राथमिक सेल का लिखाया गया वैसे प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर अधिक होता है। स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं आंतरिक प्रतिरोध को, जबकि सेल से जिसमें हम धारा देंगे, चाहे वो हमारा बल्ब होगा, पंखा होगा, कोई भी लोड होगा जिसमें हम सप्लाई देंगे, वो हमारा बाह्य प्रतिरोध कहलाता है, उसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो हम लोग जो है सेल की अब संरचना थोड़ा सा देख लें। सेल की संरचना सेल क्या है बेटा कि एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, इसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें दो धातुओं की छड़ डाल देते हैं। ऐसे दो धातुओं की इसमें छड़ डाल देते हैं, जैसे एक कापर की, ये Cu की, और एक जिंक की डाल दिया गया। तो ये धन हो गया और ये माइनस हो गया, ऋण हो गया, इसे एनोड बोलेंगे। ये है एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। इसे हिंदी में कहेंगे ऋणाग्र, और इसे कहेंगे धनाग्र या धन इलेक्ट्रोड कहेंगे, धनाग्र या अलग अलग कहेंगे तो कहेंगे धन इलेक्ट्रोड, और इसे कहेंगे कैथोड को ऋण इलेक्ट्रोड, और इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य। यह है बेटा वैद्युत अपघट्य, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जस्ट लाइक तनु H2SO4, तनु H2SO4 अगर ले लिया जाए ऐसे, तो तनु H2SO4 जो है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत पूछता है कि लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग होता है, तो लेड एसिड बैटरी में तनु H2SO4 का प्रयोग होता है। आपके रेलवे में कम से कम 1,00,000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य प्रयोग किया जाता है, तो तनु H2SO4 प्रयोग किया जाता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की ये विशेषता होती है कि जब इसमें दो भिन्न धातुओं की छड़ों को छड़ डालेंगे बेटा अथवा प्लेट डालेंगे, तो उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, या ऋण इलेक्ट्रोड कहेंगे। ऐसे अलग करेंगे तो कहेंगे ये ऋण इलेक्ट्रोड है, और धनाग्र को कहेंगे ये धन इलेक्ट्रोड है। तो जब हम लोग तनु H2SO4 में के घोल में दो भिन्न भिन्न धातुओं कापर और जिंक की छड़ डालते हैं, तो कापर हमारा धन विभव पर आ जाता है, और जिंक जो है ऋण विभव पर अथवा ऋणाग्र अथवा कैथोड बन जाता है। और इस समय इसका कापर का जो विभव है वो हो जाता है +0.46 वोल्ट।
0.46 वोल्ट हो जाता है और जिंक का विभव आ जाता है 0.62 वोल्ट पर ये आ जाता है। इस तरह से कापर धन विभव पर और जिंक की छड़ जो है ऋण विभव पर हो जाती है। और इनका आपने वोल्टेज भी देख लिया कि ये कितने वोल्ट पर आ जाता है, 0.46 पर, और वो आ जाता है 0.62 वोल्ट पर आ जाता है। अब तो बड़ी सामान्य सी रचना है कि भाई एक पॉट ले लिया, उस पॉट में वैद्युत अवघट्य डाल दिया और दो भिन्न धातुओं की छड़ों को डाल देते हैं। इसमें हम लोगों ने कापर और जिंक डाला तो कापर हमारा धन इलेक्ट्रोड बन जाता है और जिंक जो है ऋण बन जाता है और इन पर इतना विभव आ जाता। अतः दोनों इन्हीं को टर्मिनल कहेंगे बेटा। तो दोनों के सिरों में आप देख रहे हैं कि दोनों के सिरों में जो है विभव में अंतर आ गया। दो अगर भिन्न धातुओं की इलेक्ट्रोड या प्लेट भी कहेंगे यदि नहीं डालेंगे तो दोनों सेम विभव पर हो जाएगा। दोनों आप जो है कापर कापर ही डालेंगे अथवा दोनों जिंक जिंक ही डालेंगे तो दोनों समान विभव पर हो जाएगा, विभवांतर नहीं होगा, इसलिए धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब हम लोग बेटा इसी में अगर कोई प्रतिरोध जोड़ दें यहाँ से और ऐसे आपने बल्ब ही जोड़ दिया, मान लीजिए कि आपने बल्ब जोड़ दिया और यहाँ से ऐसे बल्ब आपका जुड़ गया तो ये बल्ब का जो प्रतिरोध होगा यही कैपिटल आर ओम हो जाएगा। अब आपकी धारा यहाँ से ऐसे जो है होते हुए सर्कुलेट होगी। ध्यान से देख लें, धारा यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से अलग हैं। अब धारा धन से ऋण की ओर चलेगी तो ऐसे होते हुए आएगी और फिर यहाँ पर ये ऐसे आपकी धारा चलेगी तो बीच में यहाँ पर इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर काम करना शुरू करेगा और सेल के अंदर एक विद्युत वाहक बल ई वोल्ट का उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? चित्र फिर से देख लें। सेल की ये सामान्य संरचना है, संरचना में आपने पूरा देख लिया। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा चित्र और ऐसे आपको बना कर दिखा रहा हूँ। इसमें एक आपने जिंक की और एक जो है कापर की छड़ ऐसे डाल दिया। ये हो गया बेटा आपका कापर और ये हो गया जिंक। ये प्लस पर है, ये माइनस पर है और यहाँ से इसमें आपने भर दिया H2SO4 इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने भरा यह तनु H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4। अब इसमें जैसे आपने देखा कि ये धन विभव पर आया या ऋण विभव पर तो विभवांतर हो जाएगा। इसमें एक विद्युत वाहक बल कैपिटल ई वोल्ट उत्पन्न हो जाएगा और अब यहाँ पर नीचे ये जो है कनेक्ट नहीं है, अतः धारा जो है इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट से या H2SO4 से होकर प्रवाहित होगी। तो वो जो है ये ऐसे आपकी करंट जाएगी तो ये घोल जो है धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसे स्मॉल आर ओम कहेंगे और इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। और यहाँ से जो है अगर हम कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं और इसमें से कोई धारा ऐसे जब प्रवाहित होगी ऐसे, ये आपका बाह्य प्रतिरोध स्मॉल आर है, तब जो है ऐसे हमारा, तो इस तरह से यही हमारा लोड हो गया। इसी को हम लोड कहेंगे। ये पंखा है या बल्ब है तो बल्ब के फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा उसे कैपिटल आर ओम कहेंगे। और इधर जो है ये हमारा घोल धारा के प्रवाह में, क्योंकि धारा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर इसी तनु H2SO4 या इलेक्ट्रोलाइट से होकर ही प्रवाहित होती है, तो ये सेल का घोल जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे।
इस तरह से हमारा धारा का प्रवाह जो है वो आप देखेंगे सेल के अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर या ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। और यहाँ पर जो हमें विभव मिलता है इसे ही टर्मिनल विभव भी कहते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज मिलता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल, यही है सिरा, यही है खूंटी, इसी को हम कहते हैं टर्मिनल विभव भी। तो इस तरह से आगे इसकी संरचना आपने देखा कि बहुत इजी गोइंग है। अब इसका आंतरिक प्रतिरोध की अगर हम लोग बात करें तो सेल की संरचना समझ में आ गई होगी, पूरी बात आपको बता दिया कि इसका जो हम लोग विशिष्ट गुरुत्व इसका लेते हैं वो 1.28 लेते हैं, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी अथवा आपेक्षिक घनत्व भी कह सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व इतना लेते हैं क्योंकि इस पर जो है इसका प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो हम लोग 1.2 इलेक्ट्रोलाइट का या आपेक्षिक घनत्व कहेंगे या विशिष्ट गुरुत्व कहेंगे, इसे विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व। और इसे हम लोग मापते हैं बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। विशिष्ट गुरुत्व को ये 1,00,000 बार क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा गया है, 1,00,000 बार पूछा गया है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। और इस तरह से सेल में जो हम इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य ये डालेंगे, इसके अलावा भी तमाम वैद्युत अपघट्य डालेंगे, तो वो उन वैद्युत अपघट्य का जो भी उस समय आपेक्षिक घनत्व मेंटेन करना होगा उसके लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन और भी बहुत सेलेक्टेड है, 1,00,000 बार वो भी पूछा गया है, ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक और भी पूछता है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से बेटा आर्द्रता मापते हैं, आर्द्रता या नमी, वायु में बेटा कितनी आर्द्रता है अथवा कितनी नमी है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और जबकि हाइड्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व इसका इलेक्ट्रोलाइट का या वैद्युत अपघट्य का मापने में करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1,00,000 बार पूछा जा चुका है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है। अब हम लोग जो है आते हैं, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यह है बेटा 6 ओम, यह है बाह्य प्रतिरोध, यह है बाह्य प्रतिरोध और यह बाह्य प्रतिरोध किसका, जैसे हम पंखा चला रहे हैं, पंखा बल्ब, तो इनका पंखा अथवा बल्ब हम जला रहे हैं तो ये इनका जो है प्रतिरोध है, इसी से हम सप्लाई लेंगे। तो हमारा सेल जब हमारे पंखे को चलाएगा या बल्ब को जलाएगा तो उस समय उसका जो रेजिस्टेंस होगा पंखे का या बल्ब का वो बाह्य प्रतिरोध होगा, उसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तथा नीचे आप देख रहे हैं कि ये तार से जुड़ा नहीं है बल्कि इसी वैद्युत अपघट्य
यहाँ पर जो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं वैद्युत अवघट के रूप में डायल्यूट H2SO4 का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो हमारी वैद्युत धारा आई जो चलेगी वो इसी तनु H2SO4 अथवा वैद्युत अवघट से होकर चलेगी। इस तरह से वैद्युत अवघट कुछ न कुछ धारा के बहाव में अवरोध उत्पन्न करेगा, उसी अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो लिख लें, परिभाषा लिख लें कि धारा के बहाव में या धारा के प्रवाह में, धारा के प्रवाह में सेल का वैद्युत अपघट्य जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो बेटा अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, और ओम में मापते हैं, और ओम में मापते हैं, ओम में मापते हैं। ये हो गया हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आर की परिभाषा, ओम में मापेंगे बेटा। आगे आंतरिक प्रतिरोध के लिए अगर हम लोग गणना करें तो आंतरिक प्रतिरोध, अगली पॉइंट इसी में लिख लें, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर के इंटू एल बाई ए, ये हो गया बेटा इतना ओम, इतना क्या हो गया ओम। इस संरचना के आधार पर के क्या है, स्थिरांक है, जहां पर के क्या है स्थिरांक है नोट कर लें। चलिए मिटा देते हैं इसको, जहां पर आप कहेंगे कि के स्थिरांक है, जहां पर के स्थिरांक है और यह वैद्युत अपघट्य ताप सांद्रता व विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर करता है। L दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, ये L है, ये आपका L है,
दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ये है स्मॉल एल, स्मॉल एल दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है और ए दोनों इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग का क्षेत्रफल है, एफ आर एरिया है बेटा, क्षेत्रफल है। और ये दोनों इलेक्ट्रोडों, ये एल मीटर में रहेगा, ए वर्ग मीटर में रहेगा, क्षेत्रफल है वर्ग मीटर, ऐसे चलेगा ये वर्ग मीटर में, ये लंबाई एल जो है मीटर में रहेगा ऐसे। तो इस फार्मूले में जब ये मान रखेंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ओम में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि के तो स्थिरांक है, लेकिन अगर इसकी ये विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षिक घनत्व, इसका अगर बदलेगा, बढ़ जाएगा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ये स्मॉल एल है बेटा, अगर ये स्मॉल एल की दूरी और बढ़ा दिया जाए तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तब धारा को इतना दूर चलना पड़ेगा, और अगर इन्हें थोड़ा पास रखें तो सेल का ये एल का मान घट जाएगा, जिससे ये कम होगा तो आर का मान भी कम होगा, क्योंकि दोनों अंश में हैं। तो इसलिए पूरा प्रयास रहना चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रोड पास पास हों, ताकि धारा को जो है लंबे इलेक्ट्रोलाइट में न चलना पड़े, नहीं तो जितने हम लंबा इलेक्ट्रोलाइट में चलाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेगा और सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर बढ़ जाएगा। ऐसे एरिया डूबे भाग का क्षेत्रफल है। हम लोग अगर अपनी बैटरी ही लेते हैं तो बैटरी में अगर पूरा लेवल मेंटेन है, हम लोग डाइल्यूट उसे करते रहते हैं, क्योंकि डाइल्यूट करने के लिए इसमें H2SO4 में हम लोग जो है जल मिलाते हैं, वो आसुत जल मिलाते हैं, तो वो आसुत जल मिलाकर हम लोग उसका विशिष्ट गुरुत्व जो है निर्धारित करते हैं कि 1.28 हुआ कि नहीं हुआ, और उसे चेक करने के लिए हम लोग जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमारा जब ये रासायनिक क्रिया बेटा, सेल हमारा या बैटरी हमारी जब रासायनिक क्रिया करती है, तो ये रासायनिक क्रिया करके हमें वैद्युत ऊर्जा प्रदान करती है, तो रासायनिक जब क्रिया होगी तो सेल गर्म होता है, हमारा वैद्युत अवघट हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे इसमें जो हम पानी मिलाए हैं इसे डाइल्यूट करने के लिए, वो पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। देखिए ऊपर जो आपका इंडिकेटर लगा रहता है उसमें जो है पॉइंट्स हल्का हल्का छेद दिए रहते हैं, जिससे कि हमारा स्टीम के रूप में, भाप के रूप में हमारा पानी बाहर निकलता रहता है, जबकि H2SO4 उसी में पड़ा रहता है, तो हमारा लेवल जो है डाउन हो जाता है। तो लेवल अगर ये डाउन हो गया, अब डूबे भाग का क्षेत्रफल इतना कम हो गया, ऊपर से इतना हमारा पानी भाप बनकर उड़ गया, तो डूबे भाग का इतना क्षेत्रफल जो है कम हो जाएगा। तो देखिए कम, ये जैसे डूबे भाग का क्षेत्रफल एक कम हो जाएगा, कम से भाग देंगे, भाग ज़्यादा बार जाएगी, अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा।
इसीलिए, और जैसे अभी आपने पढ़ा कि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो सेल धारा कम देगा अथवा बैटरी आपकी धारा कम देगी, इसलिए हम लोगों को हमेशा ये हिदायत दी जाती है कि अपने बैटरी में वाटर लेवल मेंटेन रखिए, यानी डूबे भाग का इलेक्ट्रोलाइट का इतना तल मेंटेन रखिए कि आपकी सारी प्लेटें अथवा सारे जो इलेक्ट्रोड उसमें लगे हुए हैं वो एकदम डूबे रहें। तो जितने ज़्यादा डूबे भाग का एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा से भाग देंगे भाग कम बार जाएगा, अतः आपके आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। इस तरह से सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमारा घटता बढ़ता रहता है, अगर हम जो है वाटर लेवल डाल कर या उसको मेंटेन न रखें तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा आपके बैटरी का और वो धारा हमें कम देने लगती है। तो इस तरह से इतना ओम हुआ, क्लियर हो गया। जितने लंबाई अधिक रखेंगे उतने प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, जितने वैद्युत अपघट्य की प्रकृति ताप सांद्रता विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर करता है, तो न ताप बढ़ाना है न सांद्रता बढ़ानी है, जितना निर्धारित है उतने रखना है। और ए जो है डूबे भाग का क्षेत्रफल है, ये जितना ही ज़्यादा डूबा रहेगा, ज़्यादा से भाग देंगे भाग कम बार जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। यदि इन इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग का क्षेत्रफल कम है, कम से भाग देंगे भाग ज़्यादा बार जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, आंसर आर का इस्माल आर का बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बेटा दो प्रतिरोध हो गया, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो सेल की बनावट संरचना के आधार पर ऑलरेडी काम करता है, और दूसर का जब इस सेल से हम पंखा चलाएंगे अथवा बल्ब जलाएंगे तो वो हमारा हो जाता है बाह्य प्रतिरोध, उसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल अगली पॉइंट है। शॉर्ट में EMF कहेंगे, सेल का EMF, और इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल ई से। अभी हम लोगों ने देखा कि जब हमारा सेल धारा का प्रवाह कराएगा तो उसे इस बाह्य प्रतिरोध और इस स्मॉल आर यानी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस तरह से सेल हमारा जो कार्य करता है उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि सेल बाह्य प्रतिरोध व आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के विरुद्ध कार्य कर धारा को प्रवाहित कराता है, कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही आपकी ऊर्जा कराता है। इस प्रकार हम परिभाषा देंगे सकते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा और भी देख सकते हैं हम लोग कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में में प्रवाहित कराने में सेल
जो कार्य कोष्ठ में ऊर्जा, कार्य ही ऊर्जा है, जो कार्य अथवा ऊर्जा प्रदान करता है या कार्य करता है, जो भी आप कहें, कार्य अथवा ऊर्जा प्रदान करता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं और बोल्ट में मापते हैं। ये हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ई बराबर, एक फार्मूला आप लोगों ने लिखा है बेटा, कि आपने लिखा W बराबर, बहुत हिट फार्मूला, W बराबर वी क्यू, वैसे ही आप लिखेंगे, लिख सकते हैं W बराबर ई क्यू। देखिए ये बहुत हिट फार्मूला है, चाहे आप W बराबर वी क्यू लिखें, वहाँ पर विभवांतर है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल ही है, दोनों को बोल्ट में मापते हैं, अतः हम लिख सकते हैं W बराबर ई क्यू या E बराबर W बाई क्यू। E बराबर अगर पक्षांतर करें तो W बाई क्यू, यही कार्य अथवा ऊर्जा है, W ही कार्य है अथवा ऊर्जा है, तो इस तरह से E बराबर W बाई क्यू, ये बहुत हिट फार्मूला हो गया, E बराबर W बाई क्यू, इतना बोल्ट, यही है आपका विद्युत वाहक, यही है आपका EMF अथवा विद्युत वाहक। यहाँ से हम लोग देखें तो एक परिभाषा हम लोग और दे सकते हैं बेटा, जो आप लोगों को अक्सर मैं कहता हूँ कि हर को हमेशा इकाई कर दें तो अपने आप परिभाषा निकल जाएगी, तो आप कहेंगे एकांक या इकाई कूलाम आवेश को प्रवाहित कराने में यदि एक जूल कार्य, हमारा सेल एक जूल कार्य करता है, एक जूल कार्य करे अथवा एक जूल ऊर्जा प्रदान करे, तो सेल का विद्युत वाहक बल एक बोल्ट होगा। बहुत ध्यान से सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली पॉइंट, यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित कराने में, यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित कराने में सेल द्वारा एक जूल कार्य किया जाए, एक जूल कार्य किया जाए या ऊर्जा प्रदान की जाए, या एक जूल, उसी को कहेंगे एक जूल ऊर्जा प्रदान की जाए, तो सेल का विद्युत वाहक बल एक बोल्ट होगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर, यह है टर्मिनल विभवांतर, सिरे का विभवांतर। आगे हम लोग इसी में चलते हैं,
हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इसे कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसे बेटा हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, यही है हमारा कैपिटल वी। यहाँ पर तो विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो हमें सिरे पर वोल्टेज मिलता है उसी को हम लोग टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज है मिलेगा इस खूंटी पर, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा इसी को हम लोग कहेंगे टर्मिनल विभवांतर, यही है टर्मिनल, टर्मिनल विभवांतर ये भी है। यानी सेल के बाहर जो वोल्टेज हमें सेल देता है उसे हम विभवांतर कहते हैं, और सेल के अंदर रासायनिक क्रिया से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे हम लोग कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं और इसे वोल्ट में मापते हैं। ई का मान ज़्यादा होता है और थोड़ा इसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण घटकर जो हमें यहाँ सिरे पर मिलता है, खूंटी पर मिलता है, टर्मिनल पर मिलता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो इस तरह से टर्मिनल विभवांतर, अभी आपने पढ़ा कि V बराबर W बाई क्यू हो जाएगा या W बराबर वी क्यू होता है, तो इस तरह से हो गया फार्मूला, बहुत हिट फार्मूला वहाँ से देखेंगे तो हो गया V बराबर W बाई क्यू बराबर V बराबर आई आर, ओम के नियम से ऐसे हो गया इतना बोल्ट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर धारा इसमें जा रही है आई एम्पियर की और इसका रेजिस्टेंस ये आर ओम है तो इससे गुणा कर देंगे तब भी टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही फार्मूला देख लें, अगर यहाँ से धारा आई एम्पियर की चल रही है और बाह्य प्रतिरोध आर से गुणा कर दें तो हमें जो है टर्मिनल विभवांतर ज्ञात हो जाएगा। अथवा बेटा आप यूं कह सकते हैं कि एकांक कूलाम, फिर इकाई इसको कर दें तो हम कहेंगे एकांक कूलाम आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में सेल जो कार्य करता है उसे सेल का विभवांतर कहते हैं। अब पूरे में नहीं सर्कुलेट कराने से मतलब है, केवल ये यहाँ से इस टर्मिनल तक पहुंचाने में इस कैपिटल आर के विरुद्ध कार्य करेगा। हमारा जो है ये कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध हमारा ये वोल्टेज काम करेगा और इसे जो है यहाँ तक पहुँचाएगा एक कूलाम आवेश को। तो वहीं यहाँ से बेटा इसे एक कूलाम कहें तो लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि एक कूलाम आवेश को या एकांक आवेश को, एक कूलाम आवेश को, आवेश को इसे इकाई मान लेंगे तो आप देखेंगे एक से भाग देंगे तो हो जाएगा V बराबर W हो जाएगा। देखिए ध्यान से E बराबर V, यहाँ से Q का तो हो जाएगा इकाई मानने पर भाग देंगे तो एक W ओम W हो जाएगा, अतः हो जाएगा V बराबर W। तो ये मैंने V बराबर W लिख दिया, परिभाषा निकल गई कि एक कूलाम आवेश को एक सिरे से, सिरा ही टर्मिनल है बेटा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित कराने में, प्रवाहित कराने में सेल ये कार्य कर रहा है। सेल जो कार्य करता है, सेल जो कार्य करता है उसे ही करता है उसे ही उसे ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं इसे,
कैपिटल वी से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं और बोल्ट में मापते हैं। क्लियर हो गया। एक कांक आवेश अथवा एक कुलाम आवेश को इस सिरे से इस सिरे तक पहुंचाने में हमारा सेल जो कार्य करता है, सेल जो कार्य करता है वही कार्य बराबर वोल्टेज है। देखिए ना, वी बराबर डब्ल्यू हो गया है, तो वही परिभाषा है कि कराने में सेल जो कार्य करता है उसे ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और बोल्ट में मापते हैं, या बोल्ट लिखा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। धारा, इसी के अंतर्गत अगर हम लोग कहें कि सेल द्वारा ली गई धारा, तो अगली पॉइंट बेटा आप लिखें सेल द्वारा प्रवाहित धारा, ये हमारी हेडिंग हो गई प्रवाहित धारा कैपिटल आई। तो हम लोग जानते हैं एक ओम का नियम पढ़े हैं हमें कि वी बराबर आई आर होता है, इसलिए आई बराबर हो गया वी बटे आर। चूंकि यहां पर वी नहीं लग रहा है, यहां पर ई लग रहा है, ई बोल्ट है, तो हम लोग लिखेंगे आई बराबर सेल का विद्युत वाहक बल यानी कुल विद्युत वाहक बल ई, ये हो गया वी के जगह पे ई आ जाएगा, और आर बटे में है, आर का मतलब कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध है बेटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखे ना, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, और ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया। तो श्रेणी क्रम में पिछले दिनों आपने पढ़ा कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं सीधे, तो हो गया आर धन स्मॉल आर। तो यही इसी फार्मूले से हो गया, आई बराबर वी बटे आर के जगह पर हम लोग लिख देंगे आई बराबर सेल का कुल विद्युत वाहक बल ई, और सेल का कुल प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इतना आ जाएगा आंसर एम्पियर में। ये फार्मूला याद रख लें, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखें अगला फार्मूला, एक देखें, जब हम लोग ई बोल्ट की सप्लाई, ई विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन ई के मान को हमारा ये प्रतिरोध स्मॉल आर कम करेगा। अगर मान लीजिए कि इस रास्ते से धारा आपकी आई एम्पियर की बह रही है, आई एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, तो ये कितना वोल्टेज खा जाएगा, तो आप कहेंगे वी बराबर आई गुड़े स्मॉल आर, इतना जो है ये वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। देखिए ना बेटा, इसी को वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे, या वोल्टेज को खा जाना या ख़त्म कर देना। तो V बराबर आई आर होता, तो जब I इस रास्ते से चलेगी और इस वैद्युत अवघट्य से होकर जब जाएगी, तो वैद्युत अवघट्य का आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल R है, वो इस फार्मूले से इतना बोल्ट खा जाएगा। इतना बोल्ट, देखिए ये V बराबर आई आर वाले फार्मूले से ओम के, तो हो जाएगा इतना बोल्ट ये खा जाएगा। इस तरह से हमारा E का मान अब अंदर हो जाएगा E माइनस आई आर, जितना खा गया, जितना ड्रॉप कर दिया उतना हम घटा देंगे, तो आई आर खा गया, तो E में से आई आर घटा देंगे, अब जितना बचेगा वही हमें यहाँ पर खूंटी पर मिलेगा। इस तरह से एक फार्मूला हो जाता है कि V बराबर हो जाता है बेटा E माइनस आई आर। ये कब है, जब हम डिस्चार्ज करेंगे, सेल से धारा लेंगे, सेल से
धारा लेने पर। देखिए ना, सेल से जब हम धारा लेंगे बेटा तो लेने पर तो क्या हो जाएगा, जैसे ही धारा ऐसे चलेगी तो आई आर वोल्टेज ड्रॉप, ये क्या है, ये बहुत, ये भी फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट है। ये आई आर क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा बेटा, आंतरिक प्रतिरोध ये ड्रॉप करेगा, ई सेल का आंतरिक विद्युत वाहक बल जो उसमें उत्पन्न होगा वो है, और भी क्या है, टर्मिनल विभवांतर। देखिए तो इसे भी याद कर लें, एकदम आप दूसरे को क्लियर एकदम पढ़ा सकते हैं, इतना परफेक्ट हो जाएंगे, इतना दक्ष हो जाएंगे। ध्यान से देखें, जब भी धारा ऐसे चलेगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध काम करने लगेगा और इस फार्मूले से इतना वोल्टेज को कम कर देगा अथवा E के मान को कम कर देगा, तब अंदर हो जाएगा E के जगह पर E माइनस आई आर, और अब यही हमें यहाँ पर मिलेगा, कंप्लीट E यहाँ पर नहीं मिलता। तो इस तरह से फार्मूला हो जाएगा V बराबर E माइनस आई गुड़े स्मॉल, ये फार्मूला हो गया सेल से धारा लेते समय। अब यहां से आप अगली पॉइंट देख सकते हैं, यदि धारा न ली जाए, आई आगे लिख दें बेटा, यदि धारा आई न ली जाए या न प्रवाहित की जाए, न ली जाए या परिपथ खुला हो, या परिपथ खुला हो, खुला का मतलब ओपन हो, जैसे यहाँ से परिपथ ब्रेक हो तब धारा नहीं लेंगे, धारा जैबे नहीं करेगी। तो जो परिपथ ओपन हो या खुला हो तब ये काम नहीं करेगा, आई बहेगी नहीं तो आर हमारा काम नहीं करेगा, तो ये माइनस होगा ही नहीं, तब या परिपथ बेटा खुला हो तब हमारा भी बराबर ई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से देख लें कि यदि धारा नहीं ली जाएगी तो हमारा ये आंतरिक प्रतिरोध आर नहीं काम करेगा और आई बहेगी नहीं, तो आई आर का मान शून्य हो जाएगा, तब हमारा भी बराबर ई हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ऐसा संभव है कि ई और भी के मान बराबर हो जाएं, क्योंकि बेटा जब भी हम लोग सेल से धारा लेते हैं तो धारा लेते ही आई गुड़े आर हो जाता, ओम के नियम से भी बराबर आई गुड़े स्मॉल आर अपना काम करने लगता है, और इतना जो है ई के मान को घटा देता है, कम कर देता है, प्रतिरोध खा जाता है। इस तरह से अब जितना यहाँ पर विद्युत वाहक बल बचता है वही हमें यहाँ पर टर्मिनल पर मिलता है। ये तो चीज़ें आपकी एकदम अंदर पैक रहती हैं, तो हमें यहाँ पर जो मिलता है उसे हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो इस तरह से टर्मिनल वोल्टेज और सेल के विद्युत वाहक बल में ये संबंध है। अब अगर हम धारा नहीं लेंगे तो इसका मान जीरो हो जाएगा और तब जो है भी बराबर ई हो जाएगा, अर्थात ये कहेंगे कि टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा है कि क्या यह संभव है कि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे कि हाँ हो सकता है, जब सेल ओपन हो, खुला हो, अथवा सेल से धारा न ली जा रही हो तब भी बराबर E होगा, अथवा टर्मिनल वोल्टेज बराबर विद्युत वाहक बल होगा। आगे हम इसी को यदि और आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे अगली पॉइंट इसमें आप और देखेंगे, हम यहाँ से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। एक तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए आपने फार्मूला लिखा ही कि R बराबर K इंटू एल बाई ए, उस पर चर्चा हो गई। इस फार्मूले से भी सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ये टर्मिनल विभवांतर के लिए है, ये कुल धारा के लिए है, ये कुल धारा हमारी बह रही है, ये कुल धारा है, ये टर्मिनल विभवांतर है, आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये टर्मिनल विभवांतर के लिए फार्मूला हो गया। अब हम लोग अगली पॉइंट लिख रहे हैं इसमें
आंतरिक प्रतिरोध के लिए, तो लिख देते हैं आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक, पूरा लिख लें, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के लिए हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से फार्मूला आप देखेंगे, लिखें वी बराबर ई माइनस आई आर। अब हम लोग अगर इधर ले आवें तो हो जाएगा आई आर बराबर ई माइनस वी, देख लें ये माइनस आई आर है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा ई अपनी जगह, ये प्लस वी इधर जाएगा माइनस वी, अतः आर बराबर हो जाएगा ई माइनस वी बटे आई। एक फार्मूला ये हो गया, इतने ओम, इतना ओम बराबर आपने अभी लिखा है के इंटू एल बाई ए ओम, ये भी एक फार्मूला लिखा, इतना ये भी एक फार्मूला अभी आपने लिखा है कि आर बराबर ये भी होता। अब आगे बेटा एक फार्मूला ए भी आपने लिख लिया, एक फार्मूला ए भी लिख लिया, अब हम लोग यहाँ से वी बराबर आई आर वाले फार्मूले से देखें तो वी बराबर आई आर होता है, इसलिए आई बराबर वी बटे आर, आई बराबर वी बटे आर, ये यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तो हो जाएगा आर बराबर ई माइनस वी बटे, इस आई के जगह पर हम लोग लिख देंगे वी बटे आर। अगली लाइन में हो जाएगा ई माइनस वी बटे में, कुल के बटे में भी गुड़े आर, ये आर बेटा पलट कर ऊपर चला जाएगा, आर देखें ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो गुड़े आर हो जाएगा और नीचे भी रह जाएगा। इस तरह से आर बराबर फार्मूला हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए फार्मूला, एक ये हुआ एक ये हुआ एक ये भी हो गया, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी पूरे के बटे वी गुड़े आर, इतना ओम, इसे भी याद रखेंगे। अब हम लोगों ने काफी कुछ इसमें से पढ़ लिया, अब हमसे सेल का दिया रहेगा विद्युत वाहक बल इतने वोल्ट है, टर्मिनल विभवांतर इतना है, तो धारा इतनी बह रही है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, अथवा सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया है, टर्मिनल विभवांतर दिया है, विद्युत वाहक बल दिया है, तो कहेगा कि सेल कितनी धारा देगा, आई का मान पक्षांतर करके ज्ञात करेंगे। और जब हम सेल से धारा ले रहे हैं बेटा तो उस समय वी बराबर ई माइनस आई आर होगा। ये सारी बातें आपकी अभी हो गई, अभी हम लोगों को आगे और भी चलना है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। यूपी पीसीएल में भी वैकेंसी आ गई है और विद्युत उत्पादन निगम में आपकी वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है। मैं आपको शुभकामना देता हूं कि पूरे सीट पर अमित परिवार अपना झंडा फहरा दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।